वेलकम बैक इन अदर वीडियोस। अगर आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना चाहते हो तो ये तीन सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। पहले आपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गूगल वाला, तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जीमेल है जिसे आपने लॉग इन किया हुआ है वो यहाँ पर नज़र आएगा आपको। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आपने उसकी मैनेज योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सिंपली मैनेज योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट की टोटल डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आगे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिक्योरिटी वाला, तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो नीचे आपने लास्ट पर आ जाना है। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जो फर्स्ट सेटिंग है वो कौन सी है, योर डिवाइस नाम से। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर डिवाइस नाम से, तो यहाँ पर आपका जो जीमेल है ना वो किस किस अकाउंट है, वो किस किस डिवाइस में एक्टिव है, किस किस मोबाइल में लॉगिन है वो यहाँ पर आपको बता देगा। तो जैसे ही यहाँ तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो ये जीमेल है ना वो किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो यहाँ पर जितनी भी डिवाइस होंगी ना वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अगर इनमें से आपकी कोई डिवाइस नहीं है ना तो आपने यहाँ से उसमें से लॉगआउट कर लेना है। एक सेटिंग ये है, तो यहाँ से आपने इजीली वहाँ से लॉग आउट कर लेना है। ये कैसी सेटिंग लगी आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो अगर हैक होने से अपने मोबाइल को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ पर ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा योर कनेक्शन थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विसेज। तो मेन इशू यही होता है कि आप जगह जगह अपनी जो जीमेल है ना उसको लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये वाला जीमेल है ना किस साइट पे लॉगिन है। तो ये वाला मेरा जो जीमेल है यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐप लॉग में भी लगा हुआ है, कैनवा में भी लगा हुआ है, फ्री पिक कंपनी, आइडोग्राम, कारिया, शटर स्टॉक, टिकटॉक और फेसबुक। यहाँ पर जितनी भी आपके है ना जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर एप्लीकेशन है जिन जिन में ये लॉगिन है ना वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस जिस एप्लीकेशन में मेरा अकाउंट एक्टिव है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जहाँ से आप लॉगआउट करना चाहते हैं जिस एप्लीकेशन से ये फालतू वाली है बैक में आपके वर्क करती है तो आप यहाँ से उसे यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डिलीट ऑल कनेक्शन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा तो ये वाला, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है ना उस में से लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो ले तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जो उस वेबसाइट में से लॉग आउट हो गया है। शटर स्टॉक में से हम लॉग आउट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो वो भी आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह आपने इसको भी लॉग आउट कर लेना है। जो आपके काम की नहीं है ये बैक पर आपके जो है वर्क करती रहती हैं, आपके मोबाइल की बैटरी यूज़ होती है, आपकी MB खर्च होती हैं और यहाँ पर आपकी जो है इनमें से जो फ्री वाली साइट होती हैं उनमें ज़्यादातर आपका जो है डेटा हैक होने का ख़तरा होता है। तो आपने ऐसी कोई भी जो साइट है उसके ऊपर लिंक नहीं करना जो फ्री वाली हो, उसमें से आपका जो मोबाइल है वो हैक होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप लाजमी बताना। इनमें से फालतू जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो आपने यहाँ से लॉग आउट कर लेनी है और ऐसी किसी भी एप्लीकेशन में आपने जो है लॉगिन नहीं करना जो फ्री वाली साइट हो, मतलब फ्री में आपको कोई भी बंदा फ्री वाली एप्लीकेशन है इसमें एक और ऑप्शन, अगर आप फ्री में कनेक्शन लेते हैं आप स्टेशन या कहीं पर भी जाते हैं फ्री वाली जो वाईफाई होती है वहाँ भी आपका डेटा हैक होने का ख़तरा होता है। तो वो भी आपने उस अपना नेटवर्क यूज़ करें, फ्री वाला नेटवर्क यूज़ ना करें। तो ये तीन स्टेप आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिक या मज़े की लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिक या मज़े की लगी हो तो हमारे चैनल टेक्निकल प्रॉड डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर देना।